गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। शाम का समय है, चाय पीने का मन हो रहा होगा, तो चलिए आज हम आपकी चाय को देते हैं एक देसी स्टाइल में नया फ्लेवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंदूरी मसाला चाय की। इसको हम इजीली घर पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पे 3 कप दूध। आप दूध की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं जितने आपके घर पर लोग हों। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 कप पानी भी ऐड किया हुआ है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच चाय की पत्ती। आप अगर कड़क पीते हैं तो इसकी भी मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये मसाला चाय है तो मैंने इसमें 7 से 8 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है। इसको भी हम इसी के साथ कूट लेते हैं। साथ ही साथ अब हमने एक सीक्रेट ये है कि ये है हमारा मिट्टी का पॉट, जो कि ईज़िली घड़े वाली दुकान पर मिल जाता है, तो हमें वहाँ से ले लेना है और इसे गैस पर चढ़ा देना है। साथ ही साथ हमारी चाय बॉयल हो चुकी है, तो अब हम इसमें मसाला और जितना आप चीनी चाहते हैं उतनी चीनी ऐड कर लीजिएगा। इधर हमारा ये पॉट एकदम गर्म हो चुका है, जैसे तंदूर में लाल हो जाता है। इसे हमें पलट पलट के चारों तरफ से ऐसे ही लाल कर लेना है जैसे कि यह तंदूर में पकता है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी चीज़ से पकड़ के हम किसी दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब हम इसमें अपनी बॉयल्ड हुई हुई चाय जो हमने बॉयल की है, अब हम इसे पॉट में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारी चाय इसी पॉट में पकेगी एक नए फ्लेवर के साथ। जी हाँ, ये तंदूर फ्लेवर आएगा, तो ये तंदूर का फ्लेवर आपको इस चाय में बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। तो कैसा लगा आपको ये हमारा एक शॉर्ट देसी ट्रिक जो कि हमें एक तंदूर का फ्लेवर देता है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।